सांसद के जहाँ सवाल है, सांसद का तो ये बीमारी है, उनकी लाचारी है, जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढुलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा। फिर इलाका कहाँ, वो तो ख़त्म हो गया, इलाका उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है, बोलो तो ख़त्म हो गया। सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए, नहीं दिए भाई, वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है, ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है, वोटवा मांगने के लगे तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर पहचानता नहीं, तो गोपालपुर आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखे नहीं किया था। बिहार के बड़बोले विधायक ने एक बार फिर से सांसद और विधायक दोनों पर हमला बोल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जदयू के विधायक गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से विधायक हैं, आए दिन अपने किए गए बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, और अब एक बार फिर से गोपाल मंडल ने अपने ही सांसद यानी अजय मंडल और फिर बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर बड़ा हमला बोला है। कहा है, पहले तो सांसद साहब को घेरते हुए कहा है कि खुद से वो नहीं जीतता है, वो मोदी के भरोसे पर आता है, लड़ता है और जीत जाता है। फिर विधायक साहब को उन्होंने घेरा और घेरते हुए कहा कि वो तो पक्का फॉरवर्डी है, खाली फॉरवर्ड जाति पर निशाना साधता है और सबको भूल जाता है। तो देखिए, गोपाल मंडल लगातार अपने किए गए बयानबाजियों के वजह से बिहार की राजनीति में छाए हुए रहते हैं। कभी हाथ में पिस्टल लेकर के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा पैजामा में से ससर गया। फिर कभी पटना पहुंचते हैं तो पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। फिर शाम होते ही होते हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगने लगते हैं। और अब देखिए, गोपाल मंडल अपने ही विधायक और साथ ही साथ अपने ही सांसद यानी अजय मंडल के पीछे तो मानो जैसे वो हाथ धो करके पड़े हुए हैं। लगातार अजय मंडल को लेकर के कभी उन्हें काला नाग भी कह दिया था उन्होंने, और अब उन्होंने कह दिया कि वो खुद से नहीं जीते हैं, उन्होंने वो मोदी के भरोसे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर जीत जाते हैं, और फिर अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, अपने जनता के बीच नहीं आते, अपने लोगों को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ अजय मंडल को ही उन्होंने निशाने पर नहीं लिया, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर भी निशाना साधा और कह दिया कि वो जाति की राजनीति करता है। उन्होंने कहा, यानी गोपाल मंडल ने कहा कि वो पक्का फॉरवर्डी है, फॉरवर्ड जात के लोगों के लिए काम करता है और सारे जात के लोगों को भूल जाता है। क्या कुछ गोपाल मंडल कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सांसद और विधायक दोनों पर हमला बोला है, सुनिए। देखिए, सांसद का जहाँ सवाल है, सांसद का तो ये बीमारी है, उनकी लाचारी है, जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढुलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा इनका। कहीं भी विधानसभा की भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गाँव जाते थे, कोनो गाँव में एक बार तो गए बरिया रसदपुर तरफ, नाथगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, ईटा पत्थर बरसात भागा, तब नीतीश कुमार ने हमको बोले, मुख्यमंत्री ने जाई गोपाल जी समझाए, तब समझा बुझा के फिर माफ़ी इनसे मंगवाए। ये सब है इनमें बीमारी, अरे कुर्सियाँ मिल गया कोई भी होता है ना, हम तो ये क्या कहा जाए, शुरू से जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बात बोलते कहीं भी किसी प्रकार का हम दौड़ जाते, उन लोगों को दौड़ने का बीमारी नहीं है। बगल में बुलो मंडल है, कभी ध्यान नहीं दिया, अब तो कहानी इनका समाप्त है बुलो का। इलाका कहाँ, वो तो ख़त्म हो गया, इलाका उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है, बोलो तो ख़त्म हो गया। सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए, नहीं दिए भाई, वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। ये तो क्या कहा जाए, ग्रामीण लोग, ये विजय का सहयोग सब, इनके लोग सब जुट के आए, जिन्होंने चदरा फदरा दुनिया, चदरा तो दिया, मुड़ते मारते भाग गया, तो गाछ सब गिरा के किसी तरह बांध के जम दिया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है, ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है, वोटवा मांगने के लगे तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर पहचानता नहीं, तो गोपालपुर आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखे नहीं किया था। मोदी नीति की लहर में उन्होंने चुनाव जीत गया, अगला बार तो 1 लाख कुछ वोट हम दिलवाए थे, अब की बार तो 40,000 से गोपालपुर लीड करवाए, उसी लीड से चुनाव जीत गए। अब पब्लिक का सुनने वाले नहीं है, पब्लिक से कोई नाता फाता नहीं रहा, अब 5 साल के बाद फिर आएगा वो दौर। कलम तलम क्या, कितना उसी के पास कलम, हम लोग मूर्खे हैं क्या, हम भी ग्रेजुएट हैं, कलम की लड़ाई लड़ेंगे।
वो कलमे में चला जाएगा आपकी बात, सुन लीजिए। गठबंधन में है, गठबंधन का नेता हम है, कलम में ही चला जाए, कलम से क्या लड़ाई लड़ेंगे। उनका विरोध करते हैं, उनको सजग होने के लिए कहते हैं। अगला बार भी हम ही चुनाव जिताए थे और 3 राउंड ही बैकवर्ड इलाका हम घूमे थे रात में, उनको भी घुमाए, वोटवा दिलाए, चुनाव जीत गया। नहीं, वो खांटी फॉरवर्ड है, ये कारण सिंह पर्वत्ता वाला था। हम लोग तो जाके चूंकि गठबंधन के तहत थे, वहाँ जाके चुनाव जिताते, जब बैकवर्ड इलाका आता था तो काला शीशा चढ़ा देता था। सिलेंडर किसी यहाँ पानी पीता है? किसी के यहाँ पानी नहीं पीता, पानी या नहीं पिएगा। हम चुनाव में खुद उनके साथ थे, बोले पानी पी लीजिए, पानी नहीं कहीं।